इसकी आंच में छोलों को 5-6 सीटी डालकर अच्छी तरह से उबाल लें। उसके बाद लहसुन अदरक डालकर पेस्ट डालकर और बढ़िया पेस्ट तैयार हो गया है हमारा। अब हम तेल लेंगे थोड़ा, यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, 2 चम्मच सरसों का तेल। इसमें जीरे का तड़का लगाएंगे और साथ में दालचीनी का एक दो छोटी डंडियाँ डाल दें और थोड़ा काली मिर्च के दाने। ये लिया मैंने जीरा और तड़का जब लगाने के बाद हम उसमें उबले हुए छोले डाल देंगे और मसाला भी ऐड कर लेंगे। उस पर मैंने थोड़ा कसूरी मेथी डाली है, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक मिक्स करके इसको फ्लेवर आने तक पकाने के लिए रख देंगे।